नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जसोदा के रसोई ब्लॉग में। तो बने रहे वीडियो में, आज फिर आई हूँ नई रेसिपी के साथ। चना ले लिए, तो सिक्के वाले चना है, और इतने ये देखिए रेबड़ी, तो ये मीठी वाली रेबड़ी है, तो इसको भी पीसेंगे इसी में डाल के। और इधर एक कटोरी चावल का आटा ले लिया, इधर ड्राई फ्रूट वगैरह बारीक काट के रख लिए। तो इधर दूध ले लिया एक छोटी गिलास से, एक कप की गिलास है, तो इससे फुल मलाई दूध ले लिया। तो इधर घी ले लिया, तो चलो इसको पीसते हैं, पेस्ट बनाएंगे। इसलिए ये देखिए तो अच्छा सा बिल्कुल पाउडर बन गया, बिल्कुल अच्छे से ये बहुत अच्छा पाउडर बन गया। तो आप करूँगी गैस को चालू, तो गैस चालू कर दिया, ये तड़का तय कर दिया। तो इसी में डालूंगी घी, तो घी जम रहा है, तो इसको चम्मच से ही मिक्सर में गिर गया सब, तो इसको चम्मच से डाल देती हूँ। चलो ये पिलक जाएगा, दो चम्मच कई घी डाल दिया मैंने। तो ये चावल का आटा थोड़ा इसको सेक लूंगी, क्योंकि चना तो सिकी हुई है, तो इसको सेक लूंगी। थोड़ा अच्छे से, ज्यादा कलर चेंज नहीं करना, थोड़े चावल का आटा एक मिनट मैंने सेक लिया अच्छे से। अब डालूंगी जो चना पीसे थे ना ये वाले, इसको डाल दिए मैंने। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी, तो दोनों साथ में अच्छे से गूंज लूंगी। उसको सेक लिए दोनों मिक्स करके, अब इसे छन्नी में छान ले रहे हैं। तो क्या सेकने के बाद में छान लेते हैं तो गुठली वगैरह होगी तो वो निकल जाएगी, सारी गुठली पड़ जाती है तो कभी, तो इसमें ये निकल जाएगी, ये देखिए तो सारी खिल जाएगी अच्छे से। दोस्तों मैंने छान के प्लेट में निकाल लिया, एक तड़का खाली कर दिया, एक तड़का पे इसी में डाल लेते हैं पानी, फिर पानी डालूंगी। अब डालूंगी इसी में शक्कर, तो दोस्तों शक्कर कम डालेंगे, इसी में रबड़ी डाल के पीसी थी वो मीठी वाली। तो ये डाल दी शक्कर, तो मीठा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इधर इलायची डाल देती हूँ, तो इलायची डाल दी, तो इसको अच्छे से चला दूंगी, चाशनी बन जाएगी। तो चाशनी नहीं बनाना, सिर्फ शक्कर घोलना मेरे लिए, तो शक्कर ही घोलेंगे, चाशनी नहीं बनाना। एक तार दो तार से कुछ नहीं, ये भुजा सिर्फ शक्कर अच्छे से घुल जाए, मेट हो जाए पानी से, और बस। तो दोस्तों शक्कर अच्छे से घुर गई देखिए, तो उबाल आ गई। तो आप डालेंगे एक गिलास दूध, छोटी गिलास से फुल मलाई वाला, तो इसको भी डाल देते हैं इसी में। तो अब अच्छे से मिक्स करते हैं, अब उबाल आने देते हैं, देखो चलाते हुए उबाल आ जाएगी, जब तक चलाते रहेंगे तो इसी में साथ मिक्स हो जाएगा सारा। तो दोस्तों थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ, और मैंने पहले सेंक लिया था, तो मैं अब जो पाउडर जो बना के रखा था पेस्ट का, तो इसको डालूंगी। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके इसको डालते रहेंगे और मिला देंगे, तो बहुत अच्छे से इसको सारा मिला लेना है इसी में। ये देखिए तो ड्राई फ्रूट तो डाल दिए, कुछ ऊपर से डालेंगे बाद में प्लेट लाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों अच्छे से मिक्स हो गया पूरा, और बहुत अच्छे से पक गया, ये इकट्ठा हो गया सारा, ये देखिए तो इस तरीके से। तो ये देखिए, तो मैंने गैस बंद करके नीचे उतार लिया। अब ये प्लेट, तो मैंने इसी में घी लगा लिया, चलो मैं इसी में जमाऊंगी अब। तो इस तरीके से अच्छे से मैं बराबर कर दूंगी, तो जल्दी से सेट हो जाएगा ठंडा होने से पहले। तो एक छोटी चम्मच से करते हैं, जम गई मिठाई तो मैंने काट दी, तो इसको काट के देखिए बिल्कुल अच्छी सॉफ्ट और अच्छी हुई, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये देखिए अभी थोड़ी गरम गरम है थोड़ी थोड़ी, तो इसको और निकाल रहे हैं, ये देखिए तो बहुत अच्छे से जम चुकी है मिठाई हमारी, चावल के आटे की और चना, सिका हुआ चना, तो दोनों चीज से मिक्स करके मैंने मिठाई बना ली है। दोस्तों बन गई चावल के आटे की मिठाई और चना की, सिके हुए चना, तो बहुत अच्छी बनी है, बढ़िया बनी है, आप भी जरूर ट्राई करिए। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।